सही सर, ये बताइएगा कि अब मशायर के दिन करीब आ रहे हैं और तमाम हुजाज जो है वो अपनी तैयारी में मसरूफ हैं कि उन्होंने इंशाल्लाह मिना जो है मिना के लिए रवाना होना है 8 जुलाई को। आप हुजाज को क्या ऐसी जो है सर एहतियात बताना चाहेंगे और क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो जो अपना सफर हज है उसको वो बेहतरीन बना सके और अपनी सेहत का जो है वो ख्याल कैसे रखें? जी, जैसा कि आप जानती हैं कि ये हज जो है जून का महीना बड़ा सख्त होता है, जून में आ रहा है और ये जून अभी सऊदी गवर्नमेंट ने भी फोरकास्ट बताया तकरीबन 50 से अबव टेम्परेचर होगा। तो इस सिलसिले में मैं ये बताऊंगा कि हाजी साहबान को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, गर्मी से बचने के लिए सारी तदाबीर अपनी छतरी लेके हुआ अगर ये साए में बैठ के इबादत करें तो और ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा पिए। ORS हमने वाफिर मकदार में हाजी साहबान को इशू करना शुरू कर दिया कि वो अपनी जो पर्सनल किट है उसमें ORS रखें और अपनी सेहत का हाथ धोने का, खाने के बाद खाना कुछ कम ही खाएं लेकिन पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। ये उनको हमने तदाबीर बता दी हुई हैं, इन राइटिंग भी बता दी हैं, उन मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में हमने पम्फलेट भी दे दी हैं। तो सर ये बताइएगा कि जो मशायर पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन का अमला किस तरह से काम कर रहा होगा और उनकी तरफ से क्या जो सहूलियात है वो हुजाज को फराहम की जाएंगी, उनके कैंप्स? बेसिकली मशायर के दिनों में जितनी भी मेडिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सऊदी गवर्नमेंट की है, हम कोई उस तरह से उनको नहीं दे पाएंगे मेडिकल फैसिलिटीज़, लेकिन फिर भी हम एहतियातन अपने हर मेडिकल स्टाफ को छोटी छोटी किट दे देंगे ताकि वो रखें, अगर किसी भी हाजी को साथी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको छोटे मोटे प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व करेगा, नहीं तो फर्दर जितनी भी फैसिलिटी है वो सऊदी गवर्नमेंट ने दी है। उनके बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर उन्होंने हीट स्ट्रोक सेंटर्स बनाए हुए हैं जो कि हमें विज़िट भी कराया है और माशाल्लाह उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की अरेंजमेंट है और वो उसको देखेंगे। इवैक्यूएशन होगी, जितनी भी एम्बुलेंस सर्विसेज होगी वो उन्हीं की होगी। सर एक लास्ट वर्ड आप क्या कहना चाहेंगे हुजाज को जो उनका सफर हज है उसको बेहतरीन सेहत के एतबार से और हाइजीन के एतबार से दीगर एतबार से बेहतरीन बनाने? देखिए लास्ट वर्ड यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने जितनी एहतियात बरतेंगे उतना ज़्यादा उनका सफ़र अच्छा गुजरेगा और हज है ही मशक्क़त का नाम और इस मशक्क़त तो थोड़ा सा पेशेंटली उनको उसको करें ताकि ये अपने हज के अरकान मुकम्मल कर पाएँ। बहुत शुक्रिया सर। आप नाज़रीन कराम, आपने देखा कि ब्रिगेडियर जमील अहमद लाखेर साहब ने हुजाज कराम के लिए बेहतरीन टिप्स और सहूलियात के हवाले से हमें आगाही फराहम की। हम दुआगो हैं कि हुजाज का सफर हज बेहतरीन तरीके से गुजरे और हम लोग एक बेहतरीन हज मिशन मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस रवाना हों। थैंक यू।